हेलो एवरीवन, सो आई एम गोइंग टू शूट अ गेट रेडी विथ मी मेकअप लुक एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मैं बाहर जा रही थी फ्रेंड्स के साथ. मैंने हुडी पहन ली है एंड फटाफट से अपना बेस रेडी कर लेती हूँ. तो मैंने बायोटेक का मॉइस्चराइज़र लिया है जिससे मैं अपना बेस अच्छे से रेडी करूँगी. ऑब्वियसली आपको बाहर जाते हुए एक ऐसा लुक चाहिए जो आप बाहर कैरी कर सको. साथ ही साथ मैंने एक प्राइमर यूज़ करा है जो कि इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, तो ये बहुत ही अच्छे से फेस पे सेट हो जाता है, पोर्स भी ब्लर कर देता है एंड बहुत अच्छा ग्लो इफेक्ट देता है. तो अच्छे से स्किन को प्रेप कर लिया है मैंने. देन उसके बाद मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है, तो उसमें मैं फिंगर की हेल्प से अपना बेस सेट करूँगी क्योंकि बाहर जाते हो आप तो मोस्टली आप ब्रशेज और ये सब कहाँ ढूंढोगे. तो फटाफट से और फिंगर से ना आप ट्रस्ट मी बहुत अच्छा कवरेज आता है अगर आप हाथ से फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं. तो पहले मैं बेस रेडी करूँगी अपना. देन उसके बाद लूज पाउडर से मैंने अपना बेस सेट कर लिया है फटाफट से. आफ्टर दैट मैंने सोचा थोड़ा सा कॉन्टोरिंग तो बनता है, वैसे भी मेरा फेस राउंड है, तो मैंने एक कॉन्टोर स्टिक लेके बस जल्दी जल्दी फटाफट से अपनी ब्लेंडिंग कर ली है. चीक बोन्स और नोज तो बहुत ही कम. देन मैंने एक ब्लश लिया है लिप एंड चीक टिंट, ये जस्ट अप का है एंड इट्स सो पिगमेंटेड सो गुड. फटाफट से ब्लश कर लिया है, उसी से मैंने अपने लिप्स पे यूज़ कर लिया है. देन आई यूज अ मस्कारा. मस्कारा से ही मैंने अपने ब्रोज भी सेट कर लिए. आफ्टर दैट मैंने हाइलाइटर ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करा है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप फिंगर से हाइलाइटर लगाते हैं तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है. देन मैं एक पोनी करूँगी जल्दी से क्योंकि बाहर जाना है, बाल ओपन करना तो आजकल बहुत ही रिस्की है. एंड सी द ग्लो, एक बाहर जाने के लिए रिफ्रेशिंग सा लुक जो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं. ना ये ओवर मेकअप लग रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा बोल्ड. सो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक यू सो